हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। अभी सेवेंथ स्टैंडर्ड मैथ्स में हमारा जो होता है वो अपना आई लेसन जो होता है वो चल रहा था, कंटिन्यू हो रहा था। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का आज हम अपना लास्ट वीडियो कंप्लीट करेंगे। अब तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन हो चुका था हमारा, फर्स्ट टू वीडियोज़ में हमने सब कुछ सीख लिया था, लेकिन कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा था तो उसके लिए मैंने जो होता है थर्ड और फोर्थ दोबारा से बनाए वीडियो। उसमें मैंने आपको फिर से जो होता है थर्ड वाले में आपको जो होता है सब्ट्रैक्शन ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना, प्लस उसके अलावा एडिशन सब्ट्रैक्शन करना वो सिखाया। आज का वीडियो है उसमें हम दिखाएंगे कि अगर रेशनल नंबर्स में आपस में मल्टीप्लिकेशन करना हो तो किस तरीके से आप करोगे, और दूसरा जो होता है डिवाइड करना है तो किस तरीके से करोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेशनल नंबर्स में अगर आपके पास में ये आपका केस नंबर अप्रॉक्सीमेटली जो होता है वो 1901 पेज नंबर के जो सम है, एक्सरसाइज नंबर आपके 9.2 जो होता है वो मैं सॉल्व करके बता रही हूँ कि अगर आपके पास में फाइंड द प्रोडक्ट निकालना हो या आपको मल्टीप्लिकेशन सीखना हो तो आप रेशनल नंबर में किस तरीके से सीखेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास में आगे फॉर एग्जाम्पल ये दिया गया है रेशनल नंबर, तो मल्टीप्लिकेशन में आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। साइन को वैसे वैसे के साथ में कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, और जो ऊपर ऊपर वाले नंबर के उनको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, जो नीचे नीचे नंबर वाले हैं उनको आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, और जो भी आंसर आएगा अगर वो आपस में डिजिबल यूनिटी के थ्रू जो होता है वो डिवाइड हो रहा है तो उसको आप यूजिंग फॉर्म निकाल दीजिए, अदरवाइज उसे ऐसे छोड़ दीजिए जो है वही आंसर आने वाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 9 है तो 9 को मैं -7 से मल्टीप्लाई करूंगी, और 2 को मैं आपका 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, और जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, अब माइनस अपॉन यहां पर 8। ठीक है, अगर मेरे पास में ये मतलब और ज्यादा कट सकता है, डिजिबल हो सकता है तो मैं इसे डिजिबल कर दूंगी, अदरवाइज नहीं हो रहा है यही करिए इसको छोड़ दूंगी। तो ये तो बहुत ही आसान है, उसके बाद में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। लेकिन अगर यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसके आगे भी इसका जो होता है वो मिक्स फॉर्म निकालना है, आप क्या करोगे डिवाइड कर दोगे 8 से इसको 63 को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी तो मेरा जो आंसर आने वाला डायरेक्टली सीधे सीधे कर देती हूँ। और अगर आपके पास में इन सपोज करिए आपके पास में कोई नंबर ऐसा दिया गया है, जैसे
अपॉन 4 से, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यही सी बात है कि ये दो जो है पॉसिबल नहीं है, तो पहले क्या करोगे, पहले जो मिक्स फॉर्म है उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दोगे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए ये भी नंबर मेरे पास में मिक्स फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसे भी आप पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दोगे। कैसे करोगे, नीचे का साइड वाले से सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन और ऊपर वाले से प्लस करना है। तो 3 2 6 6 + 1 7, तो 7/3 मल्टीप्लाई बाई 3/4, ठीक है। यानी कि 7 × 3 और यहाँ पर 3 × 4 21/12, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया। और ये अगर बाई चांस आपको जो है वो फिर से मिक्स फॉर्म में निकाल के, तब क्योंकि आपका जो क्वेश्चन था वो मिक्स फॉर्म में दिया गया था, तो कोशिश कीजिएगा कि आप आंसर भी जो है मिक्स फॉर्म में। लेकिन अगर यदि आपके पास में या आपको इम्प्रॉपर फॉर्म में दिया जा रहा है, तो आप इम्प्रॉपर फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं फिर से इसको निकाल के दूंगी आपका 21, अब मेरा 24 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो मैं बन जा ही जाऊँगी। यहाँ पर 12, ठीक है, यहाँ पर 11, 11 में से बन गया 9, यहाँ पर 1 से बन गया 9, ठीक है, ओके। तो अब मेरा क्यू आर अपॉन डी मैं लगाऊंगी, ठीक है। तो Q मेरा कितना है 1 और R कितना है 9 और D कितना है 12, और यानी कि मेरा आंसर आ गया 1 9/12। ये मेरा आंसर मिक्स फॉर्म में रहेगा, ओके। आई होप सो आप लोगों को जो है वो मल्टीप्लिकेशन करना आ गया होगा। मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं करने का है, जो भी नंबर दिया हो अगर डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, अगर न्यूमिनेटर है तो न्यूमिनेटर को साइन के साथ में जो है वो सामने वाले नंबर से सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इसमें आपको कुछ भी ऐसे वैसे निकालने की जरूरत नहीं है। अगर सेम दिए हुए हैं तो भी इजी है, अगर सेम नहीं दिए हुए हैं, डिफरेंट दिए हुए हैं, तो भी आप सामने वाले नंबर से जुड़ते हैं, डायरेक्ट सीधे सीधे जुड़ते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इम्प्रॉपर फॉर्म में दिया है तो आप आंसर अगर इम्प्रॉपर फॉर्म में भी निकाल के देंगे तो भी चलेगा, और मिक्स फॉर्म में निकाल के देंगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर आपका पास में क्वेश्चन मिक्स फॉर्म में दिया हुआ है तो कोशिश कीजिएगा कि आप आंसर जो है वो मिक्स फॉर्म में ही दें, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक क्या हुआ है, दैट इज डिवीजन मेथड, ठीक है। अब मुझे रेशनल नंबर में जब आपको डिवीजन करना हो आपस में तो किस तरीके से करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में ये नंबर दिया गया है, इस नंबर के नीचे कुछ नहीं दिया है, तो जाहिर सी बात है मैं क्यू को 1 मान लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि 0 कभी भी नहीं हो सकता और 1 की वैल्यू कुछ होती नहीं है, तो यहाँ पर मैं 1 मानूंगी। ये मेरे पास में रेशनल नंबर की फॉर्म में आ गया है। अब रेशनल फॉर्म में आने के लिए कभी भी जो डिवीजन होता है वो पॉसिबल होता ही है, उसमें आप कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, आप इसको पहले साइन को कन्वर्ट करोगे। साइन को कन्वर्ट करने के लिए सामने वाले जो नंबर है उसको रेसिप्रोकल कर देना। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा बदलो, उल्टा मतलब जहाँ पर 2 है 2 की जगह पे 3 आ जाएगा और 3 की जगह पे 2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ यहाँ पर मैं सेम टू सेम ऐसे करूँगी और साइन जो होता है वो मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। साइन में ना कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, अगर आप साइन कन्वर्ट करोगे तो ही रेसिप्रोकल होगा, अगर साइन कन्वर्ट नहीं करोगे तो नहीं होगा। और क्या नाम है, जो भी हमारे चाहे वो फ्रैक्शन हो चाहे वो रेशनल नंबर हो, उनमें डिवीजन को अगर यदि आपको सॉल्यूशन निकालना है तो उसके लिए आपको साइन कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने साइन कन्वर्ट कर दिया, अब मैं -4 × 3 और यहाँ पे 1 × 2 यहाँ पर सीधे सीधे कर दूंगी। यहाँ पर आ गया मेरा -12/2, अब काटना चाहूँगी तो मैं कर सकती हूँ 1 से 1 और यहाँ पे 6, यानी कि आंसर आया मेरे पास में 6 − 6/1, यानी कि -6, ये मेरा आंसर आ गया शॉर्ट आउट, ओके। तो आई होप सो आप लोगों को जो है वो मल्टीप्लिकेशन और जो है वो आपकी एक्सरसाइज के जो भी दिए गए हैं वो सम जो है मैंने सॉल्यूशन करके बता दिए हैं, अब एक सम और करके बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास में नीचे कोई भी डिजिट नहीं दिया गया है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले डिवाइड बाई 1 मानूंगी, ठीक, ओके। अब मैं सामने वाले जो डिजिट है, जब मैं साइन डिजिट यहाँ का चेंज करूँगी तो सामने वाले जो भी नंबर होगा उसको रेसिप्रोकल कर दूंगी। तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा -3 × 1/2, ठीक, कर दिया सॉल्यूशन निकाला, -3 × 1/5 × 2,
माइनस 3/10। ओके, आई होप सो कि आप लोगों को अपना ये वाला जो लेसन है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने आज बोला कि जो भी आपके डाउट थे वो भी क्लियर कर दिए हैं। कई बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आ रहा था, उनको भी मैंने दोबारा से समझा दिया है। प्लस रेशनल नंबर में किस तरीके से हम डिजिट्स के बीच में जो है वो सॉल्यूशन करेंगे या मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड किस तरीके से करेंगे, वो भी मैंने अलग से आपको आपकी एक्सरसाइज के डिजिट्स लेकर के, आप चाहें तो इनके जो नंबर्स हैं उनको कन्वर्ट कर करके आप घर पे जो है 10-10 सब कर सकते हैं। और जिस दिन जो वैल्यू वगैरह है उसी दिन ही आप लोग जो है वो कम से कम 10-10 सम्स का जो है वो सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिएगा या सॉल्यूशन निकालिएगा, तभी आपको आएगा। मैथ्स में बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा, तो कोशिश कीजिएगा क्योंकि जिस दिन आपका मैथ का वीडियो आए उस दिन आप कम से कम 10 सम तो प्रैक्टिस करना ही करना। आपकी हो सकता है एक्सरसाइज में कम दिए हो तो आप अपनी तरफ से डिजिट्स लेकर के कैलकुलेशन कर सकते हैं, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फायदा रहेगा आपको, और फटाफट स्पीड भी बढ़ेगी और उसके साथ में आपको बहुत ईजीली लगने लगेंगे सब। मिलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर में 10 लेसन में। यहाँ पर अगर कुछ उतारना है तो वो भी उतार सकता है और घर पर मैट्रिक्स को रिवाइज करके इसी के जैसे ही नेक्स्ट डिजिट लेकर के सम लीजिएगा। चलिए मिलते हैं, बाय। Thank you.